नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल किचन ज्ञान हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सादा पुलाव। इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो उसके लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी चावल और हमने लिया है पानी। तो चावलों को हमें पानी में सोख करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से सोख हो जाए। तो चावलों को हमें पानी में भिगो कर रख देना है। जब चावल हमारे 10 से 15 मिनट अच्छे से फूल जाएंगे तब इन्हें हम साफ कर लेंगे। पानी से निकल के साफ कर लेना है। तो देखिए चावलों को फूले हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चावल भी काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं, तो इन्हें पानी से साफ कर लेना है। 2-3 बार हम इसे पानी में डीप करके धो लेंगे तो हमारे चावल जो है वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। चावल साफ हो गए हैं तो अब इन्हें हम पकाने के लिए एक बर्तन निकाल लेंगे। उसमें हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 8 से 9 काली मिर्च, 1 चम्मच हम उसमें घी भी डाल देंगे, चावल जो है वो बिल्कुल ही खिले खिले बने। उसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और हम डाल देंगे इसमें ये बॉईल की हुई मटर। सादा पुलाव बना रहे हैं, बहुत ही आसानी से हमारा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप किसी के साथ भी अच्छे से सर्व कर सकते हैं। देखिए पुलाव पकाने के लिए रख दिया था, गैस का फ्लेम हमें मीडियम से लो के बीच में ही रखना है। अब ये देख सकते हैं चावल हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। कर देंगे बंद और हमारा खिला खिला पुलाव पककर तैयार हो गया है। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियो को सबसे पहले मिले इसके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।